हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक नया कूलर। इसको आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से ये सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे करने हैं आपको। मोटर वाशर और दो टो एक टुल्लू पंप। इसके बाद हम लेंगे एक कटा हुआ ये बॉक्स, इसको काट के हम सेट कर लेंगे, और दो बटन लाइट कनेक्शन वाले, और इसके बराबर प्रॉपर बैठा देंगे। उसके बाद हम इसको नट से टाइट कर देंगे, जो कि बजरी आसानी से हो जाएगा, और आप देखते रहिए जल्दी जल्दी काम हो जाएगा बड़ी जल्दी से। और हम इसके स्क्रू टाइट कर देंगे ताकि ये हिले ना और अच्छी हवा दे हमको। आप सिर्फ देखते रहिए, बड़ी जल्दी से कूलर बनने के तैयार हो जाएगा और आप इसको घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हमने इसको जल्दी से टाइट कर दिया है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए और आराम से फिक्स हो जाए अपनी जगह पर। टाइट करने के बाद हम इसको एक बार चेक करते हैं कि अंदर आए कि नहीं। ओह, यह बड़ी आसानी से आ गया है, और हम इसको अब लगाते हैं, इसमें आराम से फिक्स करते हैं। दोस्तों देखते रहिए, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। इसमें बोल्ट लगा दिए हैं हमने, अब इनको सेट करना है बराबर तरीके से ताकि ये हिले ना या वहाँ डिस्टर्ब ना करें। ये ब्लेड थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रही है, हम इसको उल्टा करके रखते हैं फिर बराबर सेट करते हैं ताकि ये प्रॉपर बैठ जाए और जब ना ज़्यादा शोर करे ना ज़्यादा आवाज़ करे, आसानी से चले। वाह, ये तो आसानी से बैठ गया भाई। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो, हम इसको बराबर फिक्स कर दें पहले। टुल्लू पंप परेशान कर रहा है थोड़ा सा, साइड में कर दें। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा काम और बाकी बचा हुआ है, हम इसको ही पूरा करने वाले हैं। और जो ये इसके नट हैं, इसको प्रॉपर मैच करके इसको टाइट करना है। जैसे ये टाइट हो जाती है वैसे तुरंत हम पोजिशन चेंज करेंगे और इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा यहाँ हो रहा है, हम इसको सेट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, और भी जल्दी से काम करेंगे। और अब इसके लगाते हैं वाशर और थोड़ा सा बोल्ट ताकि ये प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। ये होम यूज मिनी कूलर है, आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं बहुत ही कम खर्च के साथ। ना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ना ज़्यादा शोर करता है, अच्छी हवा देता है, बढ़िया कूलिंग। अभी हम इसको ट्राई करके दिखाएंगे आपको। ये बोल्ट है, इसको हम बीच में लगाएंगे ताकि ये हिले ना, अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसका अगला काम और थोड़ा सा बाकी रह गया है अभी, इसको हम टाइट करते हैं फटाफट से पेचकस और रेंच की वजह से। और बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है टाइट करने की देरी में। और ये हमने इसको टाइट कर दिया है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है, और उसको भी फिक्स किया जा रहे हैं अभी अभी। ये हो गया। और गाइस, अब हम इसका अगला काम करेंगे, टुल्लू पंप कनेक्शन बाकी है, कनेक्शन भी कर देते हैं ताकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगे जिससे कि मोटर चल सके। और वो काम भी होता जा रहा है धीरे धीरे, आप देखते रहिए। जब तक फोन को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि ये कूलर बन के तैयार हो और हम आपको इसकी ठंडी ठंडी हवा खिला सकें। वाह गाइस, हमने इसको सेट कर दिया है, अब इसको भी टाइट कर देते हैं ताकि क्योंकि कनेक्शन करने वाले हैं। और हमने इसको भी टाइट कर दिया ताकि हिले डुले ना और डिस्टर्ब ना करे, और इसमें थोड़ा सा पंखी लगा देते हैं, लग गई। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे फिक्स होने के बाद। अभी इसमें जो काम बाकी है उसको पहले फिक्स करते हैं, जैसे कनेक्शन बाकी है कनेक्शन करते हैं। उसके बाद ट्राई करने की टाइम आ चुका है। वाह गाइस, ये तो चल चुका है और अच्छी खासी हवा दे रहा है, बट अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। हम इसको दोबारा ठीक से प्रॉपर सही कर दें, उसके बाद ठीक करते हैं। और अब दोबारा चेक करते हैं, ये फिर से चलने के काबिल हो गया। वाह, ये तो चल रहा है, अच्छी हवा दे रहा है, मज़ेदार, मज़ा आ गया भाई। इसको बराबर चेक करके फिर उसके बाद हम इसकी जाली बनाने वाले हैं ताकि ये इसकी हवा को ठंडी कर सके और हमें ठंडी ठंडी हवा का मज़ा दे सके। ऐसी गर्मियों में भाई वास्तव में मज़ा आता है कूलर की हवा खाने में, मन करता है कि बस सोते ही रहें। और जब इसके सामने पढ़ने बैठ जाए तो पढ़ने का भी मन करता है, क्योंकि ये अच्छे अच्छे फुहारे भी देता है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे,
मगर कवर करेंगे इसकी जो जाली, इसको ब्राउन काटेंगे थोड़ा सा। कटर कहाँ गया भाई, कटर दो। और ये हमारे हाथ में कटर आ गया, इसके बाद काटते हैं। और इसकी जाली बन के तैयार करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी हम इसको काटते हैं, फिर इसमें घास लगाएंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर सेट करेंगे। जब तक आप वीडियो को एक बार और लाइक कर दीजिए। क्या ही जाता है दोस्तों यार, फ्री में है, कर दो। वाओ, ये हम इसको जल्दी से काट के इसमें घास सेट करते हैं ताकि प्रॉपर वर्क करे। और भाई ये कटने ही वाला है, वाओ, एक दो सेकंड के अंदर कट जाएगा बस ये। और लास्ट बार ये कट गया फाइनली। अब हम इसमें लगाएंगे घास, ये रही आपकी घास, और हमने इसको बना के तैयार भी कर दिया, तैयार हो चुका है। और हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, चलो बाहर लेके चलते हैं। बाहर ले आए हैं और हम इसमें बोर्ड चेक लगा लिया है, और ये हैं हमारे कूलर के वायर, इसको हम जल्दी से लगा के चेक करते हैं ताकि हमारा जो ठंडी खाने का मज़ा आ जाए। और ये हवा देने का टाइम आने ही वाला है ताकि हम इस गर्मी में ठंडी का मज़ा ले सकें। तो गाइस ये क्या, प्लग लगाने में थोड़ा सा टाइम लगा मगर लग चुका है। अब हम अगला काम देखते हैं। वाओ, ये क्या, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है क्योंकि बिजली हिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम इसको ठीक कर देंगे। और ये हमारी चालू हो चुका है। वाओ गाइस, ये तो बहुत ही बढ़िया। और हमारे कूलर में करंट आ चुका है, हम इसको चालू करके देखने वाले। पहले हम इसको पानी डाल रहे थोड़ा सा ताकि ये ठंडा कर सके। इसको प्रॉपर चेक करेंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, फिर उसके बाद चलाएंगे। और ये हमारा काम बन के तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया ताकि हम और चेक कर लेते हैं इसको साइड और लेफ्ट से। उसके बाद ये क्या हो, वाओ, नज़दीक पहुंच ही चुके हैं। और ये हमने चेक कर लिया है चारों तरफ से, फिलहाल ये सही है। और हम इसका पानी चालू करने वाले हैं, और ये हमने पानी चालू कर दिया। वाओ, ये तो प्रॉपर तरीके से पानी चल रहा है, मज़ा आ गया भाई देख के। अब लग रहा है कि भाई वास्तव में हमने तो बहुत सारा पैसा बचा लिया भाई, ज़िंदगी के मज़े आ गए आप तो सारे ही। वाओ, ये थोड़ा सा काम और बचा था, ये भी कर दिया। उसके बाद ये तब तक ठंडा कर रहा है जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दो दो तीन तीन बार ताकि मज़ा ही आ जाए। वाओ, हमने इसका फ़ैन भी चालू कर दिया, क्या हवा दे रहा है भाई, मज़ा आ रहा है वास्तव में। आप लोग भी आइए और इस ठंडी ठंडी हवा खाने का मज़ा लीजिए। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी इसलिए हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ा सा, बस ये पहले से थोड़ी ठंडी हवा मैं खा लेता हूँ। जब तक आप वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।